हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम एक और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी वाला पैटर्न होता है दोस्तों कल मैंने आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला पैटर्न जो कि मैंने आपको ब्रेकआउट विद बिल्टअप बताया था लेकिन ब्रेकआउट विद बिल्टअप का जो क्रक्स होता है दोस्तों आ, वो होता है फ्लैट टॉप फ्लैट टॉप ब्रेकआउट और और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम आज का ही हम एग्जांपल देंगे बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल में बैंक निफ्टी में आज कैसे बना तो देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा डेली के डेली या जब पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो डेली कौन सा पैटर्न बना उसको उसका हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो पैटर्न अब दो से तीन दिन चार दिन में बनेगा तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट अगर आप ट्रेडिंग लैब का जो प्रीमियम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं बिगनिंग ट्रेडर्स को वो चाहते हैं तो आपको हमारे थ्रू एक डी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है और ये 12 घंटे का कोर्स हिंदी में एक्सक्लूसिवली जो हमने बनाया हुआ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक हफ्ते के लिए देखने को मिलता है यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर दिया जाता है एंजल ब्रोकिंग में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री रहती है बाकी ऑप्शन भी आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं अकाउंट ओपनिंग करने के दूसरी ब्रोकरेजेस पे और यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में आपको ब्रोकरेज बेनिफिट भी मिलते हैं अकाउंट ओपनिंग भी हमारे लिंक से फ्री रहती है और बारह घंटे का ये कोर्स है आपको हज़ारों रुपए कहीं भी बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इतने महंगे महंगे कोर्सेज जो ट्रेडर्स को चिपकाए जा रहे हैं बिगनिंग ट्रेडर्स को वो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक हफ्ते के लिए आपसे शेयर कर रहे हैं ये वाला कोर्स आप करें और आप खुद आपका कुछ नहीं जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप और आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और आप अपने अंदर चेंज देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली चलता हूँ आपको दिखाने के लिए कौन सा पैटर्न जो है हम आज डिस्कस करेंगे और दोस्तों ये पैटर्न जो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है फ्लैट टॉप पैटर्न अब ये फ्लैट टॉप पैटर्न देखिए कल मैंने आपको बताया था बिल्ट अप का मेनली फोकस किया था बिल्ट अप के ऊपर लेकिन आ, जो इसका क्रक्स है यानी जो इसका बेस है वो फ्लैट टॉप ही है अब ये फ्लैट टॉप पैटर्न क्या होता है तो दोस्तों यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहनी चाहिए देखिए यहाँ से आप देखेंगे अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है अप ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड चल, चल रहा है और यहाँ कहीं पे आ, इसने हाई बनाया था और वापस ये हाई ऑलमोस्ट इसी लेवल पर बना उसके <coughs> उसके बाद दोस्तों एक हाई बना नीचे के लेवल पर फिर थोड़ा ऊपर बना फिर और ऊपर बना तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज हो गई साइडवेज हो गई और ये मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ एक फ्लैट टॉप बना दिया फ्लैट टॉप क्या है एक ये पॉइंट बना दूसरा ये पॉइंट बना तो ये और तीसरी बार जब यहाँ आता है तो ये फ्लैट टॉप होता है मैंने कल आपको ब्रेकआउट बिल्ट अप बताया था बिल्टअप देखिये बिल्टअप में कैसे भी हो सकता है ये फ्लैट लाइन ना होके ऐसे भी हो सकती है बिल्टअप में कि देखिए यहाँ पे ये बिल्ट अप करने के बाद ऊपर जाता है और छोटे एस के साथ आप ऊपर की तरफ ट्रेंड को राइड कर सकते हैं सिंपल लेकिन फ्लैट टॉप क्या है कि ये फ्लैट टॉप में ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और यहाँ पे ये एक बार थोड़ा रुकता है दूसरी बार रुकता है तीसरी बार इसके पास चौथी बार और पाँचवीं बार ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है और वापस इस लेवल को रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ एक मूव देता है तो ये फ्लैट टॉप पैटर्न होता है प्राइस का पैटर्न होता है और ये अप ट्रेंड को अप ट्रेंड से कनेक्ट करता है यानी यहाँ देखिए ये अप ट्रेंड आ रहा था और ये प्राइस जो है यहाँ पे रुक गया ये प्राइस जो है एक साइडवेज हो गया और वापस से अप ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम हुआ नीचे अप ट्रेंड था ऊपर अप ट्रेंड था और बीच में प्राइस रेंज में था तो ये एक रेंज बाउंड रेंज का पैटर्न होता है कॉन्टिन्यूएशन भी हो सकता है रिवर्सल भी हो सकता है ये भी चीज़ें बहुत एडवांस है अलग वीडियो में कवर करेंगे लेकिन मेन जो हमारा लर्निंग uh, है वो दोस्तों आज की ये है कि आज ये पैटर्न कैसे बना तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट है और निफ्टी बैंक का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा और निफ्टी बैंक के चार्ट में देखिए आज का चार्ट है फिफ्थ अक्टूबर का चार्ट है तो देखिए मेरे पास यहाँ एक लेवल आ रहा था देखिए बैंक निफ्टी कल ऊपर गया नीचे गया ऊपर नीचे जाने के बाद ये यहाँ पे ये एक लेवल मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा था उसके बाद क्या हुआ कि फ्लैट ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ऊपर जाता है तो ये लेवल कल नज़र आप देखें तो कल ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था इसका क्यों क्योंकि देखिए इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ फिर नीचे आया था एक बार यहाँ आया फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया और कल ये अगर आज ये अगर ओपन ऊपर होता तो हम ऊपर से कुछ नीचे देखते सिनेरियो नहीं बना लेकिन ये देखिए एक बुलिश हैमर कैंडल बनी लेकिन इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया नीचे आया फिर वापस ऊपर की तरफ एक ट्राई किया इसी लेवल को ऊपर की तरफ जो कि सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है फिर नीचे आया और फिर वापस बारह साढ़े बारह बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक किया तो ये ये अगर पैटर्न आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको फ्लैट टॉप की फॉर्म में नजर आएगा अब फ्लैट टॉप की फॉर्म में कैसे नजर आएगा देखिए यहां पे मैं जूम कर देता हूं ये आज का है और आज का है चार्ट है देखिए यहां पे ये फ्लैट टॉप बन गया आपका जो मैं आपको कह रहा हूं अब ये फ्लैट टॉप में क्या है ऊपर गया कल से लेवल ये आ, जो बहुत आ, अच्छा चल रहा था और वापस एक बार यहाँ पे टेस्ट आया एक दूसरी बार तो दो टच पॉइंट आपको मिल गए तो आपको कंफर्म हो गया कि ये फ्लैट टॉप पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है आप नीचे आए देखिए यहाँ पे ये बिल्टअप भी हुआ ब्रेकआउट विद बिल्टअप जो मैंने आपको कल दिया था वो बिल्टअप भी यहाँ पे आया तो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आप दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं आपने एक फ्लैट टॉप मिला आपको एक यहाँ बिल्टअप भी मिला तो आप एक छोटे एस के साथ यहाँ पे इस ट्रेंड को राइड कर सकते थे और ये ट्रेंड जो है दोस्तों आपके लिए कुछ छोटा नहीं था ये काफ़ी देखिए अगर आपका स्टॉप लॉस इतना सा ही होता मैं डिलीट कर देता हूँ अगर आपका ये स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा आ रहा था तो यहाँ तक आपको मूव मिली है आप देख पा रहे होंगे एक दो तीन चार और पाँच वन इज टू फाइव यानी वन इज़ टू फाइव का ट्रेड मिलता है तो ये पावर होती है दोस्तों पैटर्न्स की और फ्लैट टॉप जो पैटर्न है फ्लैट टॉप पैटर्न ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है आ, ये तो हुई फ्लैट टॉप पैटर्न की बात दूसरी चीज़ दोस्तों ये ऊपर की तरफ भी बन सकता है और नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ के लिए बना है और ये देखिए ऊपर से आ रहा होगा तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे ऐसे रहेगा और ये यहाँ पे कहीं पे बिल्ट अप करेगा और फ्लैट बॉटम ये बन रहा है तो इसको ब्रेकआउट करके नीचे जा सकता है तो ये फ्लैट uh, टॉप भी बन सकता है और फ्लैट बॉटम भी बन सकता है बाकी आप इसको किसी भी चीज़ के साथ और कंबाइन करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटीज इनक्रीज करने के लिए तो आप वर्ल्ड मार्केट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं कल भी मैंने आपको ये बताया था देखिए ये पैटर्न की सीरीज़ है मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि चार्ट पैटर्नस को प्राइस एक्शन को इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए देखिए इंडिकेटर्स को वैसे ही बदनाम किया जाता है इंडिकेटर्स का अपना रोल है इंडिकेटर्स भी आपको रिवर्सल पकड़ने में कंटिन्यूशन पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लेकिन इंडिकेटर का अपना यूज है उसको कहाँ यूज करना होता है वो अलग चीज है लेकिन आपको जब कोई अच्छा पैटर्न बन रहा हो फ्लैट टॉप का या फ्लैट बॉटम का या फ्लैग ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन का या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाले पाँच छः चीज़ें हैं इन्हीं को अगर आप मास्टर कर लें तो बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए चीज़ें अब दो, दोस्तों आप यहाँ कहेंगे कि आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पर पुट सेल कर सकते हैं जैसे यहां पे मान लीजिए हजार चार सौ के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहां इन द इन, इन, इन मनी की या, या सॉरी या, आउट ऑफ द मनी की पुट जो है वो सेल कर सकते हैं सैंतीस पांच सौ हैजिंग लगा के भी कर सकते हैं अब अलग ही टॉपिक है जिसमें आप एक मान लीजिए फिफ्टी रुपीज की जो है पुट बेचते हैं और यहां पच्चीस रुपए की पुट बाय कर लेते हैं हैंज लगा के चलते हैं मार्जिन रिड्यूस करने के लिए कह दीजिए या फिर जो है आप एक सेफ फिफ्टी के लिए कह लीजिए क्योंकि देखिए सेबी के जो मार्जिन रूल्स आए हैं उसके बाद जो नेकेड आप अगर कॉल या पुट सेल करते हैं तो आपको डेढ़ लाख करीब मार्जिन लगता है लेकिन आप जब हेज लगा देते हैं पचास रुपये का कुछ बेचा और पच्चीस रुपये का कुछ खरीद लिया तो नेट आप ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं तो आपका मार्जिन कहीं ना कहीं तो तीस से पैंतीस हज़ार के बीच में आ जाता है ये अलग टॉपिक है मार्जिन रूल्स सारा तो आप ट्रेड कैसे भी कर सकते हैं <laughs> लेकिन फंडा समझ लीजिए कि प्राइस बिहेव कैसे करता है प्राइस ऊपर जाता है फिर रिपीट करूंगा प्राइस ऊपर जाता है ऊपर जाता है और वापस से इस पे आएगा तो ये एक टॉप बन गया आपका बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे बन रहा है देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे ये टॉप बन रहा है और ये कल का जो लेवल था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये रिस्पेक्ट कर रहा है कितना ब्यूटीफुली तो ये फ्लैट टॉप का पैटर्न होता है और कल हमने ब्रेकआउट विथ बिल्टअअप बताया था आपको ब्रेकआउट विथ बिल्टअअप भी बहुत हाई प्रॉबेबिलिटी वाला है फ्लैट टॉप भी इसके अलावा और भी हैं जो जहाँ आप ट्रेंड लाइन को टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ मिक्स करते हो और हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड कंफर्म करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड वो भी कवर करेंगे आसान शब्दों में सब कुछ समझाएंगे दोस्तों किया जाएगा लेकिन यहाँ पे हम फ्री ऑफ़ कॉस्ट अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस और इंट्राडे का कोर्स भी आपको दे रहे हैं हमारा एम है कि दोस्तों यहाँ पे कि जो बिगनिंग ट्रेडर्स हैं उनको जो है ना इतनी ज़्यादा मार्केट में जो आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज़ जो चिपकाए जा रहे हैं वो ना हो मैक्सिमम ट्रेडर्स हमारे पास आएँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला कोर्स करके मार्केट में स्टार्ट हों और इतने ज़्यादा महंगे कोर्सेज़ के पीछे मत भागें कुछ नहीं होता है उनमें हमने सब ट्राई करके देख लिया कुछ भी नहीं होता है सिंपल नॉलेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है आशा करते ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा थैंक यू दोस्तों